नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 13 के नीलम हाइट्स में रहने वाले जुबैर खान, जो कि पेशे से पत्रकार है, इसे पुलिस ने दिल्ली से गुरुवार को गिरफ्तार किया। जुबैर खान द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, इसने आईएसआईएस के स्पोक पर्सन बनने की इच्छा जताई, इसके लिए इराक एम्बेसी जाने के बाद भी कही। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और इसे दिल्ली से हिरासत में लिया गया। पत्रकार जुबैर खान के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक ये आक्रामक लेखक थे, जो सरकार के खिलाफ स्टोरीज करते हैं और याकूब मेमन की फांसी का भी विरोध किया था। ये फ्रीलांसर पत्रकार के रूप में काम करते थे और इससे पहले इसके खिलाफ कोई भी केस नहीं होने की बात इसके छोटे भाई के द्वारा कही गई। फेसबुक पे किए गए पोस्ट पर इसके छोटे भाई फखरुद्दीन खान ने जुबैर के फेसबुक अकाउंट को हैक किए जाने की बात कर अपने भाई पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। और देखिए, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, जो भी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, अगर ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता तो 100% पुलिस बोलती। मेरी सुबह पुलिस से, दिल्ली पुलिस से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनका, हमने इंक्वायरी करी फौरन। आजकल तो नेट की दुनिया है, फोन की दुनिया है, सब फटाफट पुलिस इंक्वायरी करवा लेती, कहीं भी एक उनके ऊपर ऐसा क्रिमिनल एलिगेशन या कोई अरेस्टिंग वारंट या कोई पुलिस केस में रिकॉर्ड खराब है तो आप बताइए। अगर आईएसआई का आदमी आपके 10 साल 20 साल 50 साल से ले रहा है और पुलिस अपने कुछ कर नहीं रही, तो ये तो फिर पुलिस की नेग्लिजेंसी, मतलब कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है, जबरन में आपने उठाकर या मैंने उठाकर बोल दिया कि आप आईएसआई का। अगर फेसबुक ने किसी ने लिख दिया, वो इंक्वायरी करेंगे, मैं देखूंगा किसने लिखा और किसने हैक करा आपने उनका पासवर्ड। आजकल फेसबुक का यही है, आपका पासवर्ड मुझे मिल गया, मैं कंप्यूटर पीसी बैठूंगा, ओपन कर लूंगा, कुछ भी लिख के उसे कर दूंगा, आपके नाम से फोटो आपका है, आपके नाम से थॉट मेरे कमेंट्स मेरे, आप बदनाम हो जाएंगे। इस केस के विषय में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उपायुक्त विश्वास पांडे से फोन पर संपर्क हमारे प्रतिनिधि द्वारा किए जाने पर इन्होंने जानकारी होने की बात तो कही पर अभी पूरी जानकारी देने से इनकार किया। सर थोड़ी फार माहिती मिळू शकते का त्याच्याबद्दल काय, म्हणजे कधीपासून? नाही सांगता ओके धन्यवाद सर, आम्हाला सगळं माहिती आहे पण आम्हाला सांगता येणार। ओके ओके। नवी मुंबईतील खारघर सेक्टर 13 नीलम हाइट्स या ठिकाणी राहणारा जुबैर खान याला काल रात्री दिल्ली पोलिसांनी अटक केली। त्याच्यावर असा संशय दिल्ली पोलिसांनी घेतला आहे की आयएसआयएस या दहशतवादी संघटनेचा तो हस्तक आहे। एकंदरीत पाहायला गेलं तर सगळ्या या प्रकरणावर दिल्ली पोलीस आता लक्ष ठेवून आहेत। सायबर सेल, नवी मुंबई सायबर सेल, मुंबई सायबर सेल, मुंबई क्राईम ब्रांच, ह्या सगळ्या याच्या त्याच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून होतं। त्या दरम्यानच तो दिल्ली येथे जाऊन इराकी कॉन्सुलेटमध्ये आपलं पासपोर्ट जमा करून मला आयएसआयएस या दहशतवादी संघटनेत सामील व्हायचं आहे, त्याचा स्पोक्सपर्सन म्हणजे प्रवक्ता व्हायचं आहे असं त्याचं म्हणणं होतं। पण या सगळ्या गोष्टीवर महाराष्ट्र पोलीस आणि दिल्ली पोलीस कशा प्रकारे आता पुढचा निर्णय घेतोय, आता याचकडे सगळ्यांचं लक्ष राहील। कॅमेरामन मुसासह योगेश पाटील, नवी मुंबई आवाज, खारघर।